तो जैसे कि मैंने बोला था कि भैया बहुत सारी आपको अपडेट्स मिलने वाली हैं पुष्पा द रूल की, और बहुत ही ब्रेक कर करके आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई डेट बोल दी, जैसे कि आज 11 बजे कुछ अपडेट आएगा तो उसमें आपको बहुत कुछ बता दिया जाएगा। बट पुष्पा का जो टीज़र आया है पुष्पा 2 का, वो कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रेसिव लगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट भी लगा। 7 अप्रैल को 4:05 के ऊपर कुछ एक नया आपको टीज़र देखने को मिलेगा कि पुष्पा कहाँ पर है, तो एक इंट्रीगनेस तो फॉर श्योर बनती है कि जिस तरीके का टीज़र आया है कि पुष्पा जेल तोड़ के कहाँ गायब हो गया, उसको पकड़ेंगे कैसे, पकड़ा भी गया है, काफ़ी सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं और अब वो अपराधी ऑफिशियली हो चुका है। तो जब कभी भी साइकिल ऐसे होती है कि वो अपराधी बन जाता है कोई हीरो, तो उसका जो एंड होता है वो मरने से ही ख़त्म होता है, यूजली ऐसा देखा गया है। बट अल्लू अर्जुन के केस में क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। तो ये जो एक्साइटमेंट लेवल है अब जो है वो बढ़ गई है, तो ये बड़े काम करेगा, बड़े सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए होंगे, अब पुलिस भी ऑफिशियली पीछे पड़ जाएगी क्योंकि पता चल गया कि पुष्पा ही है सब चीज़ों के पीछे। तो 7 अप्रैल को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी जब छोटा सा टीज़र और आएगा जिसमें हमें अल्लू अर्जुन की छवि भी दिखेगी, उसकी थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिखेंगे। फिलहाल के लिए जो आया उसने ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि पुष्पा पकड़ा गया है और उसकी जो सारी चेज है भागने की या फिर अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की, वही आपको पुष्पा द रूल के अंदर दिखने वाली है, या ये जोन में चली जाएगी वास्तव के, जहाँ पर एक डॉन तरीके का आदमी हो जाएगा जो अनअप्रोचेबल टाइप हो जाएगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो फिर दुश्मन हो, तभी इसका नाम भी पुष्पा द रूल रखा गया। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो है जूनियर NTR साहब जो हैं वो वॉर 2 के अंदर आ गए हैं। तो क्या ये अच्छा डिसीजन है? कल भी एक वॉर 2 को लेके हमने क्वेश्चन उठाया था, क्या ये अच्छा डिसीजन है जब अयान मुखर्जी के बारे में बात करी गई थी। मोटा मोटा सबका यही मानना है कि यशराज के अंदर जो आदित्य चोपड़ा चला रहे हैं जिस तरीके से, इज़ अ विजनरी एंटरप्रेन्योर छोटू से, और जिस तरीके से क्रिएटिवली वो डिसीजंस लेते हैं। तो इवन अली अब्बास जफर ने भी पहले मेरे ब्रदर की दुल्हन बनाई जो कि एक रोम कॉम टाइप के जोन के अंदर थी, फिर उसके बाद उसने टाइगर जैसी मूवीज़ भी बनाई और बहुत सक्सेसफुल स्टाइलाइज थी। ऐसे ही अयान मुखर्जी ने पहले रोमांटिक बनाई, फिर उसके बाद सुपर हीरो रोमांटिक टाइप ब्रह्मास्त्र बनाई, और अब मेरे ख्याल से वॉर 2 भी वो बना सकते हैं। विजन होना ज़रूरी है तो वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले वॉर में टाइगर वर्सेस ऋतिक थे तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी, दोनों ही मस्कुलर थे, दोनों ही डांसर हैं, दोनों ही फाइट्स बड़ा अच्छा कर लेते, दोनों ही हैंडसम हैं। अब उसके बाद एक आती है वॉर 2 जिसके अंदर जूनियर NTR वर्सेस ऋतिक होने वाला है, तो क्या एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, क्या ये अच्छा डिसीजन है कि बैड? पहले तो मैं ये बोल दूँ कि अगर आप ये नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके कोई भी मूवी बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये जो अमेलगमेशन है ये नीड ऑफ द आवर थी, ये ज़रूरत थी, और जो भी नेगेटिविटी है इससे दूर हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपने साउथ के स्टार्स को प्यार करते हैं तो उनकी मूवी देखने जाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बॉलीवुड के लिए या हिंदी सिनेमा के लिए वो भी दूर हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी गुड मूव। नाउ ऑन मेरिट पे बात कर लेते हैं कि क्या जूनियर NTR कैन बिकम दैट बैडी और दैट पर्सन हु ऋतिक रोशन विल फाइट। आई वुड से इट्स अ वेरी गुड चॉइस, बिकॉज अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करता हूँ कि जैसे आमिर खान के लिए धूम 3 एक आइकॉनिक रोल था, वैसे ही NTR के लिए भी एक आइकॉनिक रोल होगा। वो हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं तो उनको डबिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक वो नेशनल स्टार और रिकग्निशन ले सकते हैं। और यूजली बाजीगर का भी हम एग्जाम्पल लें तो जितने भी ये नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स होते हैं आजकल, KGF का भी ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और उससे क्या होगा, इनकी फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर हाईलाइट ऋतिक रोशन से भी ज़्यादा जूनियर NTR होंगे। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि जो यश चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो अपने हीरो हों चाहे विलन हों उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, तो एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड इन अ न्यू अवतार, मे बी फॉर NTR 6 packs 8 packs, बड़े बाल, उड़ते हुए बाल, पता नहीं क्या दिखाएंगे वो, लेकिन जैसा अभी तक आपने इनको देखा वैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल अलग दिखेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस, और थोड़ा अनयूजुअलनेस फ्रेशनेस चाहिए, तो वो डायरेक्टर से भी आएगी, अनयूजुअल कास्ट से भी आएगी, और ये जो अमेलगमेशन है नॉर्थ साउथ को उससे भी आएगी। तो दोनों अच्छी न्यूज़ है पुष्पा के लिए भी, और ये जो वॉर 2 से न्यूज़ आई है ये भी बहुत अच्छी है। आपको कैसी लगी, आपके क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर बताना। बाय बाय।